पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो अनेकों बार अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर खुलकर बोलते हैं, जिस वजह से उनकी पार्टी बीजेपी भी पशुपेश में नजर आती है और असहज हो जाती है। इस बार वरुण गांधी अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं इस फैसले के पीछे अस्पताल का नाम तो नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि उनके पिता के नाम पर संजय गांधी अस्पताल का नाम रखा गया था, जो 1981 से अमेठी में है। अस्पताल में अमेठी सहित आसपास के जिलों के सैकड़ों पेशेंट इलाज के लिए पहुंचते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि सवाल संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का ही नहीं, बल्कि रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। इससे पहले उन्होंने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को भी खत लिखकर यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी और कार्रवाई पर एक बार फिर विचार करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लाइसेंस का त्वरित निलंबन उन सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय है, जो न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी अस्पताल पर निर्भर हैं। दरअसल 14 सितंबर को पथरी के ऑपरेशन कराने के लिए अनुज शुक्ला नाम के शख्स ने पत्नी दिव्या शुक्ला को संजय गांधी अस्पताल अमेठी में भर्ती कराया था। 15 सितंबर को ऑपरेशन के लिए उसे एनेस्थीसिया देना था, लेकिन ओवरडोज देने की वजह से वो कोमा में चली गई थी। 16 सितंबर को घरवाले उसे लखनऊ के मेदांता लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मुंशीगंज थाने में अस्पताल के सीईओ समेत 3 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर सरकार ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई कर दी। भाजपा सांसद वरुण गांधी की बात करें तो वो लगातार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी बीजेपी को कटघरे में रखते हैं। पार्टी में अलग थलग पड़ चुके वरुण पिछले दिनों एक जनसभा के दौरान मंच पर मौजूद एक साधु के बहाने कभी सीएम योगी पर तंज करते हैं, तो कभी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में अपनी एक अलग छवि के साथ चुनावी तैयारी कर भाजपा की टेंशन बढ़ाते हैं। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई मामले में असहिष्णु होते जा रहे माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए वो सख्त बयान देते हैं। सांसद वरुण गांधी की अपनी ही पार्टी पर लगातार किए जा रहे राजनीतिक प्रहार से उनके राजनीतिक ठिकाना बदलने की चर्चा भी काफी गरमाई रहती है, लेकिन फिलहाल वो भाजपा में हैं और इस बार यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक पर हमलावर हैं। हालांकि संजय गांधी अस्पताल मामले में उन्होंने उप मुख्यमंत्री को आग्रह के साथ पत्र लिखा है, लेकिन उनका सोशल मीडिया पर आया बयान ये समझने के लिए काफी है कि वरुण अपनी ही पार्टी की सरकार को इस मुद्दे पर घेरने पर कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का संचालन संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सदस्य राहुल और प्रियंका गांधी हैं।